अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम ईद का दिन मेरे पर प्रार्थी और ये इसी दुआना शुरू करती। शुरू करने से पहले छोटी सी अर्जा जैस पर पाने माहौ विलेज ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें बेल बटन लाजमी प्रेस करने के आने वाली हर वीडियो का नंबर यहाँ तक और वक्त फोन दे जी। मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, वीडियो कोई साड़ी अजय इस तरह दी है कि माह बेटी देख सकते चुप करके बैठी है। अजय की तबीयत काफ़ी ख़राब आ, 5-6 दिन तो बाद तबीयत इनकी खराब हो जाती है। डॉक्टर को दवाई सही ला लें, टीका शिका लग जाए लवा लीदा वा, तो फिर 4 दिन लंघ जाते फिर इस तरह डिग जाते। तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम टैसट वगैरह कराओ, लेकिन टैसट हाले नहीं करवाए है, करावे लेकिन हाले अपने नहीं करवा रहे है, बस कुछ मजबूरियाँ। हाँ जी, तो बाकी करवावे इंशाअल्लाह, खैर करे फिर पता लग जाएगा। क्यों हफ्ते दे विच 2-3 दिन ठीक रहिंदी है, 2 दिन फिर बुखार, तो तुरन फिरन जिहड़ी मतलब परेशानी बन जाती, बुखार हो जाता, कहिंदी तुरन नहीं हुंदा, पई रहिंदी है, फिर खाण पीना भी बंद कर दिंदी है। अच्छा, अल्लाह खैर करे, धियां पुत्रां लई कमा रहे हैं तो कर रहे हैं, आ छोटियां वा, तो यह दुख आ इन्हां नूं, यह भी अल्लाह दूर करे। सभी साड़ी तो यही दुआ होंगी अल्लाह पाक, हाँ जी साड़ी दुआ ही होंगी अल्लाह पाक धियां धीणे कोई दुख ना दे जी, इन्हों घर खुशियां देवे, जी छोटियां अल्लाह पाक उन्होंने भी तंदुरुस्ती सेहत दे और अपने पढ़न की तफीक दे। अच्छा जी, अज की वीडियो जी स्टार्ट कर, जैसे कि मैंने बहन कहा कि यतीमी का असी एक लाया कि बेगम का यतीमी, वो असं भैन बहन शेयर करते हैं कि बेगम के वाल साहब दुनिया से नहीं है, अल्लाह नू प्यारे हो गए, अल्लाह ताला नू जन्नत अल फरदोस अल्लाह ताला मकाम अता फरमावे जी। तो वाले साहब साढ़े भी दुनिया ते नहीं है जी, इस टाइम साड़ी शादी हुई आ, शादी तो तकरीबन मेरा कुछ अरसा ही अब्बू हुणी भी रहे ने, तो बीमार हो गए से अब्बू हुणी ने ना साह का प्रॉब्लम से, बड़ा इलाज कराया बड़ा इलाज कराया, बाकी टाइम जिन्ना कु सी अपना दुनिया का निपुग गया, बाकी जिस वेला मंजूर से वह भी नहीं रहे, अल्लाह ताला नू जन्नत अल फरदोस अल्लाह ताला मकाम अता फरमाए। उस तो बाद मामू हुणी भी तुहाडे अब्बू जानी कि वह भी साडे अब्बू से वेले, वह भी दुनिया नहीं रहे, वह भी बेचारे चले गए ने, लेकिन मेहनत मशक्कत उन्होंने किन्नी की थी, बहुत की थी। तो इस तरह के मेरी बेगम जी है जी एक गरीब मामू से साढ़े गरीब से असी भी, वह भी गरीब घराने तलक सगा, तो इन्नी मेहनत करता से दिन, यानी कि वह अपनी मेहनत मशक्कत करता स, रात में उन्हें पहरा देना पिंड सारी रात, इन्नी मेहनत करता से अपने धियां पुत्तां लई बहुत ज़्यादा जी। हाँ जी, वह बहुत है जो नहीं, बस अपने घर चले गए ने जिथों बंदा आ ही नहीं सकता है। तो अल्लाह पाक जिथे जे भैन भाइय के साडे जी जुगा जिन्हें भी चले गए, अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत अल फरदोस अल्लाह तआला मकाम अता फरमाया जी। साड़ी यही दुआ होंगी है, अज होंगे तो अजे घर मेरा वेखते तो किन्ने खुश होंगे। तो मामू जे आपदा अब्बू से वह तो बहुत ही परेशान से, नवी नवी जो शादी साड़ी हुई, कहते कि मकान जोड़ा साडा सी वेख्या उस टाइम उस मकान जो आते ही रहे, कहते सच्चा अल्लाह पुत तुम दूगा, टेंशन ना लो, मैं तुम आह चीज़ बना दूँ, तुम आह लै दूँ, गरीबी जी निकल गई टेंशन ही। तो बहुत मेहनत मशक्कत की जिस वजह तो बेगम ने यतीमी दे काफ़ी अरसा शुरू तो ही तकरीबन माड़ा घर से, तो इस हालात के जिंदगी बसर की। सानू मामे का यह कहन सी कि पुत मेरी धी हैगी सीधी सादी जी, तो ये जिंदगी बसर कर लवें। तो अलहमदुल्ला जी, अलहमदुल्ला मैं अगे भी वीडियो वाजा किया जो दुनिया अल्लाह पाक की जात आंदा ना निशान, उन्होंने अल्लाह पाक की जात बहुत अपने लोग खूबसूरत और सोहना बना के भेजती है, तो जिनी अकल शौर देनी वह भी मेरे मालिक के काम आ जी, बंदा बाकी कोशिश करता वा, तो असी उस गल नभाद हो अज तक आ गए, तो अल्लाह ने रंग भी बड़े लाए ने, इवें नहीं, तो अज तक असी लड़ाई झगड़ा भी कोनी, मार कुटाई भी कोनी, तो हसद खेड़े जिंदगी गुजार रहे हैं। कई ऐसे बंदे है सी जेड़े मेरी बेगम नूं भी इन्होंने कहा जी ये जी इदा वा तू इनू रखिया वा, तो सीधी साधी या फलानी, मैं मैनों इकला पाक की जात की तरफों जी गुलाब का फुल मिल गया वा। देखो जी, जिंदगी बहुत साथी ठीक हो तो जिंदगी बहुत अच्छी गुजर जाती है। तो अलहमदुल्ला जिथे कहता जिमें कहता उ मनी है, चाहे माड़ा वा चाहे चंगा, उन्होंने खिलोते जिंदगी बसर नहीं बसर हुई। तो बाकी उस तो बाद बहुत कुछ देता, बहुत कुछ देता जी। तो बाकी वड्डी सी, उस तो बाद बाकी छोटे सी बेचारे इनके भैन भरा, उन्होंने भी
फिर इदा ही ना कि घरों घर के हालात इदा के भी व्डे होंगे तो चलो इन्हें सिर पर आते हूँ भी आते कुछ छह महीने साल बाद कोई अपने हालात के हिसाब न चक्कर लाते हैं सही वाल हिम्मत हुई बेचारे हाँ जी साहिवाल के एरिए च हड़प्पा स्टेशन नाल एक 85 जाका जो उतो इन्हों की रैश आ ठीक है बेचारी मामी साड़ी जी भी अपने बच्चों लैके बैठी है हूँ भी इस टाइम अपने बच्चों के नाल मेहनत मजदूरी मशक्कत करके अच्छा अल्लाह पाक उन्होंने भी जिस टाइम टाइम आया अल्लाह सब ला दिता हूँ तो कहने का साडा मकसद से जी कि बेगम ने बहुत अरसा यानी कि चुपचाप अपने सबर न करके अंदर अंदर दिल के रात में जो अभी बहना पाना कहना आप कितों बनाव मकान कितों आप मकान च वड़ांगे आप सारी जिंदगी एवं कढ़ांगे अपने घर कोई आंदा भी नहीं है अपने घर कोई आवागा तो भावांगे कितने सब कुछ देता सब कुछ देता कोई इस चीज़ की कमी पेशी नहीं छी अल्लाह पाक जी मेरे देखने वाले भैन भाइयों जिन्होंने मैंने इस घर के सारा निजाम सिलसिला जो बनाता जी माशाल्लाह इन्ना प्यारा बनाता जी अल्लाह का लख ते लख वारी शुक्र अदा कर दे मेरा बुआ आए ते कहंदे पुत्त तू ढारे दे विच कोई नहीं अल्लाह सोना तेन दूंगा कोई नहीं तीए सबर कर बड़ी मैं सफाई कीती बरांडे दी बहुत ज्यादा मैं कहा मेरे बुआ इन्नी देर बाद सफाई जिनी मर्जी करते पर डिगन बुरा हाल से बैन भाई ने वेखे कि साड़िया पिछलियां वीडियो जी स्टार्टिंग जीडिया अभी वेखी गई कि खौफ आता से और बैन भाई भी कहें इतने किमें लैके बच्चे वर जाने तो अल्लाह नू याद करके वर जाते सौंदे गुजारा किया सबर करके पै गए तो सबर कर इन्नी हिम्मत मेरे नहीं है भी जो मैं तेन मकान पा दाँगी वसीला बना के उन्हां दी बना देवे बाकी असीं शुरू तो अपने भैन भाइयों दे नाल अच्छे तरीके नाल चलदे लेकिन बुरे कहण वाले भी बड़े ने क्योंकि उन्हां दी जुबानां फड़ लैणियां नहीं आ उन्हां दी जिहड़ी ना फितरत बन चुकी आ उन्हां दी फितरत ही इह आ उन्होंने चलिया लेकिन असं फिर भी उन्होंने वास्ते भी दुआ करते हैं अल्लाह पाक उन्होंने नेक हदायत दे बाकी सबर के नाल हर चीज़ मिल जाती है गलत लफाज बोलना कुछ नहीं मिलती गुनहगार हों बंद गलत गल करना गुनहगार बंद हों अल्लाह पाक बारगे लाई च फिर देनी पैंती है तो बाकी असं ये नहीं कहते असी बहुत लेकिन गलती तो इंसान एक जानता कोई कीड़ा भी पैथले उनकी बहुत बड़ी गलती होंगी अचानक अनजाने मैं सबर मानते ना कि जिस टाइम तुम तुरे जाने ना जाने जाने तुम तुरद अचानक एक ठुडा लग जाता ना तो उस टाइम भी अल्लाह बाद दाला की बारग लाई जी हथ बन के माधर तौबा तैब हो जाओ कि सू ठुडा क्यों लगा और उन्हें कोई गलती तुम एड्डी केड़ी कर ली जी तुम ठुडा लग गया तो बस जी असं तो यह चीज़ा व्ड्या दिया सुनते हैं सुना होंगे तक पहुँचे हैं और सबर न फलवा किसी ना गजाती नहीं ना करनी है ना अल्लाह करवावे ही तो जे कोई कह भी जाए दादा साडा कहिंदा सी पुत्त जे कोई गाल भी कर जे उहनूं अच्छा तेरा भला होवे भला होवे हां जी अब्बू हुणी कहिंदे सी लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं उहनूं कहना भला होवे भला होवे हां जी ते इस भला करदे आ कर भला हो भला अंत कालेगा भला सी किसे दा भले करदे आ रहे ते अल्लाह ने साडा भी भला कीता ते भैन भाईआं दा भी भला होवे जे अल्लाह ने बहुत ज्यादा दवे बहुत ज्यादा दवे जिन्ना सानूं इत्थों तक बचा दित्ता अल्लाह ताला इन्ना कुछ भैन भाईआं नूं दवे बहुत ज्यादा दवे हां जी बाकी अपने जिहड़े मेरे अज़ीज़-ओ-कार ने रिश्तेदार ने रिश्तेदारियाँ होंगे रस्म रवाज हर बरादरी में होंगे अल्लाह पाक उन्होंने भी तंदुरुस्ती सेहत दे अल्लाह पाक उन्होंने नेक रस्ते चलने तफीक दे अल्लाह पाक उन्होंने बोलने की भी नेक तफीक दे जी बस हवा को गुजर जाए ना तो गल बन जाती है जी आह हो गया बस एक गल बना के ब्लॉक बना के भैन भाई के शेयर कर देना झूठ तूफान बोल देने भी हवा का बुला जी घूम के नंघिया तो हवा का बुला जी सही नहीं आया तो रस बुला जो रब की जात कर दी बेहतर कर दी है बाकी हर शायद इतने रह जानी कोई शायद नहीं जानी है कोई चीज़ नहीं जानी तो ठीक है जी मेरे भैन भाई वीडियो काफ़ी लंबी होंगी जाती है वीडियो का इतने एंड कर दे मिलेंगे नवी वीडियो के नाल जी अल्लाह हाफिज़।